उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बादल आफत बनकर बरसे हैं, जहां खादर क्षेत्र में बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिससे किसानों की फसलें तबाह हो गई। किसानों का कहना है कि वे हर साल बाढ़ का संकट झेलते हैं, वहीं बाढ़ आने की वजह से किसानों की 80% फसल बर्बाद हो जाती है। बावजूद इसके मुआवजे के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है, वहीं खादर क्षेत्र के लोग लंबे समय से बांध की भी मांग कर रहे हैं। जिसमें पानी आया था समथिंग, परसों जो पानी आया था परसों थोड़ा थोड़ा था उस टाइम पे, तो कल 11 बजे समथिंग रोड पे पानी क्रॉस होया, उससे पहले कुछ नहीं था। तो खेतों में पानी तो कई दिन से आ रहा था, हमारा खेतों में रुक रहा था पानी, तो रोड क्रॉस किया कल ही किया उस पानी ने। क्या आपने कभी बंदे की मांग नहीं की? मांग की हमने कई बार की है बंदे की मांग, तो बंदा अभी तक कुछ भी बंदे का निर्णय नहीं हो पा रहा है। सरकार क्या कहे, सरकार के जो नुमाइंदे आते हैं सरकारी अधिकारी, वो क्या कहते हैं? संघ तो कह रहे थे कि लगवांग करवांगे, आपकी समस्या सुन रहे हैं, हमने रिपोर्ट भेजी है, पर अब तक कोई रिपोर्ट वापसी नहीं आती वहाँ से। अब आपकी क्या मांग? हमसे ही मांग यही गुजारिश करते, थोड़ा बहुत हमारा गन्ना मरा हुआ है, हम थोड़ा बहुत सोचे सरकार से हम थोड़ा मुआवजा देते। सर पानी की तो कोई सरकार की तरफ से तो कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे जैसा आता है वैसे हो जाता है, मतलब ज्यादा चढ़ाव आता है तो इस रोड पर क्रॉस हो जाता है पानी। अब कई दिन से फसलें बर्बाद कर रहा, फसलों में रुका हुआ था, अब ज्यादा छूटा है तो ज्यादा आया है, तो इसीलिए सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इसका कोई समाधान करे और किसानों को थोड़ा बहुत मुआवजा मिले। तो आज हम जनपद बिजनौर के जो है तहसील चांदपुर क्षेत्र के खादर में खड़े हैं, जहां पर यहां जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसमें पानी छोड़ा गया है और खादर क्षेत्र में लगभग किसानों की फसलों पर ज़्यादा से मतलब जो फसलें डूब गई हैं और यहाँ जो है सड़कों पर पानी चल रहा है। ये जो यहाँ पानी आता है क्या प्रतिवर्ष आता है? जी प्रतिवर्ष पानी आता है, अब कोई ज़्यादा आया इस बार, ज़्यादा एक बार पहले आया था वो कम था, इस बार ज़्यादा आया। अच्छा, क्या सरकार की तरफ से जो पानी के क्या इंतजाम रोकने के किए जाते हैं? अभी तक तो कुछ नहीं सर। क्या इस चीज़ की जो है सरकार से मांग नहीं की जाती? मांग की इस बात की कि बोलते हैं कि बंदा लगवा देंगे, बंदा अभी तक तो कुछ लगा नहीं है। इस बार कितनी फसलों का लगभग नुकसान हुआ है? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत बचा हुआ, बाकी सारा ही खत्म हो गया। अब आप क्या जनता जो है सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से अपना मुआवजा थोड़ा बहुत हमें सहयोग दे। न जाने कितनी सरकार अब तक आई है और न जाने कितनी सरकार आएंगी, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी मांगे आज तक भी पूरी नहीं की है। जनपद बिजनौर से MKN न्यूज के लिए मोहम्मद रहमान।